जब पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में जुटी है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पार से आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी में खूनी खेल खेला है। दो दिनों के अंदर हंदवाड़ा में आतंकियों ने दूसरा हमला किया जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी सोमवार को गश्त लगा रही थी, तभी शाम के करीब 5 बजे आतंकियों ने हमला बोल दिया। सीआरपीएफ ने जब तक मोर्चा संभाला तब तक दो जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक ने इलाज के दौरान अस्पताल में आखिरी सांस ली। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया। शहीद तीनों जवान बतौर कांस्टेबल सीआरपीएफ में तैनात थे। गाजियाबाद में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों में एक बिहार के औरंगाबाद के संतोष कुमार मिश्रा हैं। इस आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले अश्वनी कुमार यादव भी शहीद हो गए। इस टेरर अटैक में शहीद तीसरा जवान चंद्रशेखर है जो तमिलनाडु के तिरुनेलवली के रहने वाले हैं। 48 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में दो अलग अलग जगहों पर दो हमलों से साफ हो गया है कि पाकिस्तान और वहां रह रहे आतंकियों के आका ने घाटी में गड़बड़ी फैलाने की साजिश फिर से शुरू कर दी है। 2 मई को हंदवाड़ा के चांज मुल्ला इलाके में आतंकियों ने लोगों को बंधक बना लिया था, जिन्हें छुड़ाने के लिए आर्मी और पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान एनकाउंटर शुरू हो गया था। 2 दिन बाद 4 मई को हंदवाड़ा के गाजियाबाद में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। 2 मई को हंदवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए थे। हालांकि इस दौरान एक कर्नल, मेजर समेत आर्मी के 4 जांबाज और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। इधर गाजियाबाद में हुए आतंकी हमले में देश ने 3 जवान खो दिए। 48 घंटे के अंदर हंदवाड़ा में 8 जांबाजों की शहादत से पूरा देश सन्न है और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर हर हिंदुस्तानी गुस्से में है। कश्मीर में लगातार होते आतंकी हमलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान पर हमला बोला है। गुटनिरपेक्ष देशों के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में भी कुछ लोग आतंकवाद फैलाने में जुटे हैं जो बेहद घातक है। इवन एज द वर्ल्ड फाइट COVID-19 सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म, सच एज फेक न्यूज एंड डॉक्टर्ड वीडियोज टू डिवाइड कम्युनिटीज एंड कंट्रीज। बट टूडे आई वॉन्ट टू फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव। खुद पाकिस्तान कोरोना से बुरी तरह से त्रस्त है, लेकिन वो इससे मुकाबला करने की जगह दहशतगर्दी के अपने पुराने एजेंडे पर लौट आया है। जरूरत ये है कि पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज आए और हिंदुस्तान की सब्र की ज्यादा परीक्षा न ले, क्योंकि उसे अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की याद तो होगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।